खपड़िया तनिक झुकाइए, हैंड तनिक उठाइए, और अपना नहीं बजवाना है तो हजूर को सलाम बजाइए। चाय पीजिए सर। नो टी, मैं सिर्फ स्कॉच पीता हूँ। ए भाई मिलके जा, मैं तो चाय पीता हूँ ना। वैसे सर आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी शादी को 30 साल हो गए। 15 years हमारे शादी को हुआ है, 15 years हमारी वाइफ की शादी को हुआ है, 30 years का रिसर्च है हमारा लाइफ का ऊपर। ए साहब अपुन को भी कुछ सिखाओ ना, अपुन तो साला 12 साल में एकदम पक गए यार। अनहैप्पी मैरिज को हैप्पी मैरिज कन्वर्ट करने का हमारे पास 3 बातें हैं। रूल नंबर 1, हफ्ता में 2 बार किसी अच्छा रेस्टोरेंट में जाने का और अच्छा खाने का। नंबर 2, उसका हाथ मजबूती के साथ पकड़े रखने का। पकड़ा। और नंबर 3, अलग अलग बेड पर सोने का। कुछ करना पड़ेगा क्या? हो जाएगा? अरे हो गया। अरे भैया इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, रोज प्रैक्टिस करते हैं। पहला फार्मूला इन्होंने बताया है कि सप्ताह में 2 दिन अच्छे रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना खाने का। अब ये बात अलग है कि ये ट्यूसडे को जाते हैं, इनकी वाइफ सैटरडे को जाती है। दूसरा फार्मूला इन्होंने बताया है कि वाइफ का हाथ टाइट पकड़ के चलने का, नहीं तो भाग जाएगी शॉपिंग करने। क्या बात करता है मैन। सर रिसर्च की है, 2 दिन आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। अभी तीसरा फार्मूला भी तो सुनिए भैया। तीसरा फार्मूला इन्होंने बताया है कि दोनों का बेड अलग अलग रखने का। जैसे ये साहब रखे हैं, ये मुंबई में सोते हैं, इनकी वाइफ दिल्ली में सोती है, तभी तो दोनों बहुत खुश हैं। क्या बात कर रहे ला? ये नील वटे सन्नाटा, क्या ये ला बना रहे ला है क्या मेरे को? हैप्पी मैरिड लाइफ का मंत्र पूछ रहे हैं। ए मैन तुम तो पहले से ही येड़ा है। चल निकल इधर से, चल निकल, निकल जा, चल निकल, निकल। तो भैया दूसरा बेड ऑर्डर कर दें। नहीं मैं जमीन पे सो जाएंगा।